सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसके पश्चिम में है राजस्थान, यानी इस देश की दाहिनी भुजा, और राजस्थान में एक छोटी सी जगह है जालौर, जहां रेत महल ऊंटों के बीच पनप रही है दो छोटी बच्चियों की गाढ़ी दोस्ती, जिनके खेल खिलौने सपने ख्वाहिशें सब कुछ एक जैसा है। लेकिन कहीं ये सपने, ये ख्वाहिशें परिंदों की तरह उड़ न जाएं, क्योंकि एक सहेली है राजपूतों की शान और पत्थरों की ऊंची हवेलियों में पली बढ़ी मैथिली, तो दूसरी सहेली है रबारियों के छानी छप्पर कच्चे मकान में रहने वाली भावरी। अरे ओ भूरी, थारे से ही बात कर रही हूँ मैं। खाले मेरी माँ खाले, सूखी ना सही, हरी तो खाले। अरे तू नहीं खाएगी तो थारे बछड़े का और इस घर का पेट कौन भरेगा? थारे नखरे तो भंवरी से भी ज्यादा हो गए हैं। गई तू भवरी, तू कटे गई थी? हाँ वो माई माई हाँ माई, मैं यशोदा काकी के अट्टे थी, वो दूध पहुँचाने गई थी। अच्छा माई, ये पौधे क्यों रोप रही हो? देख भवरी, जब मैं थारे जैसी बच्ची थी ना, तो मारी माई मतलब थारी नानी ऐसे ही पौधे रोपती थी, उसी ने सिखाया मुझे ये सब। तब से मारी भी आदत पड़ गई है। ये पौधे होवे ना बच्चों जैसे होवे हैं, प्यार से रोपो तो झट से बड़े हो जाते हैं थारे जैसे। देख लगा लिया ना बातों में, छोरी तू बातें घनी करे है। चल अब हाथ मुंह धो ले, कुछ खा ले, देख कितने गंदे हाथ हो गए हैं थारे, सुबह से डोलती फिरे है। थाने खिला के थारे बद्री काका ने भी तो रोटी देनी है मने। करती का है फिरे है तू? छोरी मुझे तो थारा राग ही समझ ना आवे, जाने अटे कटे डोलती फिरे सुबह से शाम तक। चल बैठे अब, अठे वठे कहीं भी घूमे है, चलो उठ ला हाथ पोछ दू, आजा। बाजरे की खिचड़ी बनाई है थारे वास्ते। अरे बद्री, ये पोटली लेके कटेने जा रहा है तू? कहीं हुआ, परेशान सा क्यों दिख रहा है? परेशान? अब मैं क्या परेशान हूं,
वो कामरे वास्ते बाहर जा रही हूँ बस। कामरे वास्ते भरी दोपहरी में? तबीयत तो ठीक है ना थारी? तबीयत तो ठीक है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तू मारी फिक्र ना कर भाभी। ठीक है चल। भाभी हाँ अरे अरे कहीं कर रहे बद्री? अच्छे कमरे वास्ते जा रहा हूँ ना। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा ही थारे साथ है। चिल्ला क्यों रही है? देखिए ना, हम बाजार से नई गुड़िया लाए हैं, इसे सजाने में आप हमारी मदद करेंगी? नहीं मैथिली, अभी नहीं, अभी हमें बहुत काम है। आप अभी जाइए, हम बाद में आपकी मदद करेंगे। हमने कहा ना आपसे, हमें बहुत सारा काम है, अब जाइए अभी। ठीक है। बापू साहब बस आते ही होंगे, मासा की भी पूजा खत्म होने वाली होगी। ये लो मुमल, पूजा के फूल। मासा का पान अब लगा रही हैं आप? आपको पता है ना, मासा को टाइम पर पान चाहिए, वरना कितनी नाराज होंगी वो। अब जल्दी कीजिए, इलायची डालिए। हाँ रुकमल, अब आप सफाई कर रहे हैं, जो काम एक घंटे पहले हो जाना चाहिए था वो आप अब कर रहे हैं। बाजार जाकर सांगनी की सब्जी कब लेकर आएंगे आप? आपको पता है ना, आज आपके मालिक 2.5 घंटे पूजा में बैठने वाले हैं, तो जल्दी कीजिए ना। ये लगा निशाना और ये शिकार ढेर। भाई साहब हमें भी बंदूक चलानी है, हमें भी शिकार करना सिखाओ ना। रुपुआ सा रुके। रुपुआ सा हम तो भूल ही गए थे, आज इतवार है, आप हाथ जा रही है ना, हमें भी ले चलिए ना। देखिए हम तैयार हैं, हमें ना गुड़िया के लिए दुल्हन वाले कपड़े लेने हैं, चलिए। मैथिली अभी नहीं, अभी हमें बहुत सारा काम है, हमें हाट से बहुत सारा सामान लाना है, हम आपको शाम को ले जाएंगे, ठीक है? नहीं बुआ सा, शाम को नहीं, हमें अभी जाना है। हमारी प्यारी गुड़िया, हम आपको शाम को करारी जलेबियां खिलाएंगे और आपकी गुड़िया के लिए ओढ़नी भी लेकर देंगे, अभी हमें जाने दीजिए। नहीं बुआ सा, हमें अभी जाना है। मैथिली क्यों जिद कर रही है बेटा, जाने दीजिए ना अपनी बुआ सा को, वो कह रही है ना आपसे कि वो शाम को आपको हाट लेके जाएंगी। हाँ लेक, आप अपनी बहन मैथिली को हाट ले जाइए। लेकिन मासा हमारे पास वक्त ही कहाँ है, और हमें अपना भी तो काम पूरा करना है, ये अभी अभी तो आई है, बार बार कहाँ जाएगी ये?
रुको। आप हर एतवार की सुबह मैथिली को घुमाने ले जाती है ना, तो अब क्या हुआ? आज उसे ले जाएंगी तो आपके कपड़े मैले हो जाएंगे क्या? या कोई और आपसे मिलने आने वाला है जिन्हें आप छुप छुप के मिलना चाहती हैं? अगर आप मैथिली को साथ लेके नहीं जाएंगी तो आप भी हाट नहीं जाएंगी। और वैसे भी इन्हें कंधे पर तो उठा के नहीं लेके जाना, इनके भी हाथ पैर हैं। जाइए मैथिली को साथ लेके जाइए, जाइए मैथिली, जाइए। चलिए मैथिली। बेलाराम जी, आप थोड़ी देर में हाट आ जाएगा। हमें कुछ सामान खरीदना है और मैथिली भी हमारे साथ जा रही है, तो दोनों को संभालना है। देर मत कीजिएगा, जल्दी आइएगा, वरना हमारा काम अधूरा रह जाएगा। जी हुकुम। बुआ साहब, कि हमने आपके साथ आने की जिद की, पर आपको तो पता है ना कि हमें घूमने फिरने में कितना मजा आता है, खासकर दो लोगों के साथ, एक आपके साथ और दूसरी। हाँ हाँ, हमें पता है, आपके पैर में तो चक्कर भी लगे हैं। चलिए लीजिए, आ गई आपकी जलेबी की दुकान, यहाँ बैठिए। अब जो जी में आए खाइए, पर यहाँ से कहीं मत जाइएगा। हम अभी सामान लेकर वापस आते हैं, ठीक है? भाई जी, लगता है हमें आने में देर हो जाएगी। अगर हवेली से बेलाराम जी आए तो मैथिली को उनके साथ वापस भेज दीजिएगा, कृपा होगी। जी हुकुम। ऐसा कोई बात है? कोई बात नहीं है मैथिली, बस आप अपना ध्यान रखना। हम रख लेंगे। हमारी प्यारी गुड़िया। भाई जी, लाइए हमारी जलेबी। हाँ, जलेबी उन्हें बनने से मना कर दिया है। कहती है मैथिली भाई से आएंगे तो हमारे पूरे कुनबे को खा जाए। भाई जी, जलेबी दीजिए ना। आप नहीं मानेगी। अच्छा, देता हूँ, मैंने पहले से बांध कर रखी थी, लीजिए खाइए। हम इसे अकेले अकेले नहीं खाते, ये तो हमारी फैमिली के लिए है, जो जलेबी से भी मीठी है। बावरी। माई, क्या कर रही है? पापड़। माई, पापड़ इकट्ठा करो। अरे ना छोरी, पापड़ टूट जाएंगे, थारे बस की बात ना है। ना माई, मैं कर लूंगी। थोड़ी मैंने काम करने दे। भाई, मिर्ची इकट्ठा करो। अरे ना छोरी, आंख में लग जाएगी तो डोलती फिरेगी रोती हुई। ना माई, मैंने थारो काम करके बहुत मजा आवे। छोरी तू माने को नहीं है, ले कर ले, और जो आंख में लग जाए ना तो मारे कने मत आई। और रोती हुई मारी,
ख्याल रखियो, मैंने सुंदर के घर दूध पहुंचा के आना है। माई, मैं दूध पहुंचा लाती हूँ, तने बापू के पास से खाना भी तो बनाना है। अरे कोई ना, मैं आके बना लूंगी, थारे बस की बात ना। वैसे भी तू जावेगी तो आधा दूध गिरा के आवेगी। नहीं गिराऊंगी माई, आज सुबह भी तो मैं ही लेकर गई थी। बात मान ले मारी छोरी, थारे बस की ना है, और तू मेरी फिक्र को नहीं कर, मैं अकेले ही कर लूंगी। वैसे भी थारे ब्याह के बाद तो सब कुछ मैंने अकेले ही संभालना पड़ेगा, तब कहाँ से आएगी तू। और हाँ, थारे वास्ते बीन भी तो ढूंढना पड़ेगा। ये बीन क्या हुआ है माई? बीन, बीन वो हुए है जो छोरी को उसकी माई से छीन कर अपने घर ले जावे है। ना, मैं थारे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे जाना तो थारे को पड़ेगा छोरी, हर छोरी को जानो पड़ता है, पर थारा बीन कोई ऐसो ऐसो थोड़ी होगा। घणो सुंदर होगा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा माथा, एकदम राजकुमार जैसा। मैं खुद ढूंढ के लाऊंगी थारे वास्ते। जब जाना होगा तब चली जाऊंगी, अभी से क्यों सोचो? अभी तो थारे संग रहना है, थारे काम में हाथ बटाना है। यूं लागे मारी छोरी तो घणी बड़ी हो गई है। ले तो फिर जा, आज तू ही दूध पहुंचा के। पकड़ लेगी ना? हाँ, पढ़ मत जाइयो छोरी, ये ले। अरे अरे संभाल के, तू फिकर ना कर माई, मैं पहुंचाऊंगी। संभाल के बेटा। हाँ माई। हम कब से इंतजार कर रहे थे, हमने शीशा भी चमकाया पर तुम आए नहीं। जाओ, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। अरे देर हो गई आने में, पर आए तो सही ना। मैंने तारे से मिलने से कोई ना रख सके। पर इतनी देर क्यों लगा दी? अरे तुमने माई नहीं दिखी क्या? जैसे दूध का बहाना लेकर आए हम। पहले सुंदर के घर गए थे दूध पहुंचाने के लिए, तो पहले यहाँ कैसे आते? सही है, अगर घर वालों को पता चल गया तो फिर वो हमें मिलने नहीं देंगे। अरे पता चले तब ना, हमारे पास मिलने के लिए बहुत सारे बहाने हैं। कभी हाट पे जाके मिलना, और कभी इतवार की दोपहर को चली भी खाकर भी मिल सकते हैं, है ना बबरी? किसी को तो पता भी नहीं चलता है। और तेरे पास भी मुझे बुलाने का इतना अच्छा तरीका है कि कोई सोच भी ना सके, चुपचाप से शीशा चमका देगी। हाँ, पर इतनी बार शीशा चमकाने के बाद भी तुम तो देर से ही आती हो। अच्छा ये देखो हमारे पास क्या है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पायल है। इसे ना हम मोर के पैर में पहनाएंगे। और ये रही नेल पॉलिश। अरे वाह, ये तो बहुत चौका रंग है, क्या करेगी इसका? ला मैं तारे नाखून रंग दूँ। चल चल चल। अरे भाभी अभी नहीं, पहले हम चली भी खाएंगे। अरे जल्दी ला, ये लो तुम खाओ। नहीं पहले तुम खाओ। हम नहीं, तुम खाओ। पहले तुम खाओगी। नहीं पहले तुम खाओगी। पहले तुम। अच्छा ठीक है, हम आधा आधा करके खाएंगे, आधा तुम्हारा और आधा हमारा। हाँ जी ठीक है, आधा आधा खाएंगे, नाचेंगे और गाएंगे, पर पहले हम खेलेंगे। हाँ जल्दी चल। पता आज सुबह की तरह हम हवेली से बाहर ही नहीं निकल पाते। फिर कैसे आए? रूप वासल आए हमें। रूप, अब हम दोनों को एक होने से कोई ना रोक सके, ना तारे खानदान वाले और ना ही मारे भाई भाभी। लेकिन कोई ने भनक तो नहीं लगी ना? हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक तो कर रहे हैं ना? और कोई चारों नहीं है रूप, ये गांव वाले ना ही तो हमारे प्यार को समझेंगे और ना ही हमारा ब्याह करवाएंगे,
हमारे पास एक ही रास्ता है जो हमारे प्यार को बचा सकता है। तू फिकर मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। पंडित जी भी आ गए। खमा खानी पंडित जी। खुश रहो, पूजा का सामान तो मैं लेकर आ गया। मैं कहता हूं एक बार फिर सोच विचार कर लो। ये बात इतनी आसान ना है, इस इलाके में ऐसा काम आज तक किसी ने ना किया है। और यहां से तुम्हारे गांव भी ये खबर पहुंचते ज्यादा देर ना लगेगी। कोहराम मच जाएगा, कोहराम जाएगा, कोहराम जाएगा, कोहराम। गणी, दोनों छोरियां ठेके कर रहा हो। ता दोनों को कदे भी एक साथ नहीं रहना चाहे, नाम भी नहीं लेना चाहे एक दूसरा को ना। क्या हम भाई एक साथ ना रहे? हम सबसे अच्छे भाई लिए और जीवन भर साथ ही रहेंगे, चाहे जो हो, हमें दुनिया से डर ना लगे। इतना भरोसा है अपनी दोस्ती पे तुम दोनों को, हैं? हाँ, है। कोई हमें अलग ना कर सके। बच्चों, तुम्हारे इस कदम की वजह से चालौर के राजपूतों और रवाड़ियों के बीच खूनी संघर्ष हो जाएगा। अब लौट नहीं सकते पंडित जी, जब तक गांव वालों को खबर होगी हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। जी पंडित जी, अब हम वापस नहीं लौटेंगे। वैसे भी भोलेनाथ है ना हमारे साथ, वही हमारे प्यार की रक्षा करेंगे। तो फिर ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। अब आप रस्म शुरू कीजिए। आ दोनों को घणो बुरो बखत आ रहो है, ता दोनों की दोस्ती एक कुदरत ने मंजूर कोनी। मैं सारे गांव की लोगों की तकदीर बांचू हूं, पर मारी किस्मत मना ठे था दोनों की तकदीर को लेखो देखो जानबा के वास्ते ले रागी सौ माता की। छोरियों, दोनों का हाथ तो एक सा है और तकदीर, तकदीर आपस में इसी गुत्थम गुत्था है। एक के बारे में बता के बात पूरी को नहीं की जा सके। एक की जिंदगी को अंधेरो, दूसरा की जिंदगी की रोशनी छीन लेसी। जब एक का आंख में आंसू बैसी तो दोनों के सपना की नाव डूब जासी। वह छोरी,
तू अपनी माँ से झूठ बोल के आई है ना? हाँ। हाँ। लेकिन आपको कैसे पता? ये थारी बुआ तने छोड़ के भाग गई। की छोरी और एक रबाड़ी की छोरी की इस दोस्ती को कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, कठिन अग्नि परीक्षा से, जिसमें केवल तबाही और बर्बादी ही है, केवल तबाही। मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहारी।